गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में में दिए गए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे ये जो टॉपिक है this comes under vegetable part. Vegetable में जो है, इसके अंदर का एक काफी इम्पोर्टेंट है, विच इज कुम्बर आप सिलेबस uh, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके कंटेंट सेक्शन में तो एक बार जाकर के जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा दिस इज गिवन इन योर सिलेबस

और दिस काइंड इज़ नोन एज घरकिंस घरकिंस ये जो घरकिंस होते हैं ये काफी प्रिफर्ड माने जाते हैं फॉर पिकलिंग पर्पज जी हाँ पिकलिंग आई होप आप लोग समझते हैं आचार डालने के लिए जो घरकिंस होता है दे आर वेरी मच प्रिफर्ड तो एक सवाल हमेशा आप देखोगे कॉमनली देखो तो आर ऑप्शंस में रहता है ये पर्पस वो पर्पस तो ध्यान रखना कि आर बेसिकली यूज फॉर पिकलिंग पर्पस सो आई होप अभी फोटोग्राफ की भी मदद से आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे अब हमारा टॉपिक है मेनली कुकुम्बर सो कमिंग टू द द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज साइंटिफिक नेम जो कि अक्सर आप लोग इग्नोर मार के चलते हो लेकिन पेपर में फिर यही बहुत ज्यादा रोल आता है सो द साइंटिफिक नेम इज सटाइवस फैमिली जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कुकुरबिटेसी मैंने हर बार अपनी अलग अलग क्लासेस में ये जरूर मेंशन किया है कि कुकुरबिटेसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स आते हैं भैया कुकुम्बर तो है एवरीबडी नोज दैट और आज की क्लास के बाद आपको वैसे भी पता है इसके अलावा सारे काइंड ऑफ गर्ड्स आ जाते हैं इसी में आ जाता है मेलन और इसको तो कभी मत भूलिएगा दैट इज चाउ चाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल आधे से ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं होता है कि चाउ चाउ इज अ वेजिटेबल सो चाउ चाउ भी इसी फैमिली का मेंबर है और साथ ही साथ कुकुम्बर तो आपने पढ़ ही लिया नाउ कमिंग टू द क्रोमोजोम नंबर पार्ट ऑफ कुकुम्बर कितना दिख रहा है आपको 14 और क्यों ना हम इसके साथ साथ

और डीएनए का ऑब्वियस तो होगा तो इसका जीनोम साइज इज थ्री हंड्रेड एंड इज मेगा दिस इज नॉट कंप्यूटर साइंस विच यू आर स्टर्निंग सो मेगा बेस पेयर नेक्स्ट पॉइंट एक टॉपिक होता है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में जीनोम सीक्वेंसिंग जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले डीएनए का कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल लेना ठीक है सो ईयर ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ ऑफ जीनोम दो मतलब नौ में खीरे की पूरी की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग को कंप्लीट कर लिया गया था ओरिजिन हमारा भारत है ध्यान रखिएगा क्यूकुंबर का प्रोजिनेटर स्टैंड फॉर एनसेस्टर पूर्वज मैंने प्रीवियस क्लास में भी जब मैं स्पिनच पढ़ा रही थी तो भी मैंने एनसेस्टर की बात की है और खीरे के एंसेस्टर का नाम है ककूमिस हार्डविकाई नॉट जस्ट ये एंसेस्टर है खीरे का बल्कि यही ककूमिस हार्डविकाई इज आल्सो ओ डब्ल्यू एस ऑफ कुकुम्बर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस ओ डब्ल्यू एस हियर ओ डब्ल्यू एस स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड कोई ऐसा वीड जिसका जो सीड है वो एग्जैक्टली exactly हमारे ककंबर के दाने के जैसा दिखे वो हमारे खीरे का objectionable seed हो जाएगा। so I hope आप सभी को objectionable seed का भी मतलब clear है। मैंने science की क्लासेस में discuss किया हुआ होता है। हालांकि वाले में में भी इस चीज को डिस्कस करूंगी खीरा इज फ्रॉस्ट सबल अनादर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही साथ क्यों ना हम ये भी जान लें यहीं पर बिकॉज हमें फ्रूट्स भी पढ़ना है दट पपाया इज ऑल्सो फ्रॉस्ट सबल अब आप लोग एक काम करोगे कि मुझे ये बताओगे कि क्या पपाया में कोई ऐसा स्पीशीज है जो फ्रॉस्ट से रेजिस्टेंट होता है दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ जे फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज का नाम आप सभी को मुझे बताना है ठीक है इन द कमेंट सेक्शन और इन द मैसेज डायरेक्टली नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर खीरे का कल्टीवेशन आप देख पा रहे होंगे इट रेंजेस बिटवीन 18 से 24 डिग्री सेल्सियस

तो आपको सेक्स फॉर्म्स तो पढ़ना ही पड़ना होगा स्पिनच का याद है स्पिनच चार अलग अलग सेक्स फॉर्म्स मिल रहे थे नाउ कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट खीरे में भी आपको कई सारे सेक्स फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे बट द मोस्ट कॉमन सेक्स फॉर्म ऑफ खीरा इज मोनो मैंने मोनो का मतलब पहले भी एक्सप्लेन किया है प्लांट एक ही होगा मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो एक ही प्लांट पर अलग अलग पोजीशंस में होंगे

दो अलग अलग वराइटीज हैं ए एंड बी और ये दो अलग अलग फील्ड में हमने लगा रखा है इन दोनों फील्ड के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ये मिनिमम डिस्टेंस क्यों रखा जाता है ताकि इस पर्टिकुलर वैरायटी का पोलन ए वैरायटी को पोलिनेट ना कर दे या ए वराइटी का पोलन बी को पोलिनेट ना कर दे इसीलिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है

और androecious plants ऐसे plants होते हैं जिसमें केवल स्टैमिनेट फ्लावर्स बनेंगे नाउ कमिंग टू gynoecious, गाइनी मतलब हमेशा फीमेल होता है यानी gynoecious sex form फॉर्म में हमेशा कैसे फ्लावर्स बनेंगे ओनली एंड ओनली पेस्टिलेट फ्लावर्स नेक्स्ट वी hermaphrodite。 हार्माफ्रोडाइट जिसे हम बाई भी कहते हैं फ्लावर एक ही होगा इसी के अंदर भी, भी साथ -साथ होंगे. बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड्रो एंड्री मतलब होता है मेल तो मोनोएशियस का मतलब एक प्लांट प्लांट तो एक ही होगा इस प्लांट में एक फ्लावर मान लो ये मेल हो गया और बाकी फ्लावर्स कैसे होंगे हर्माफ्रोडाइट मतलब ये समझ लो आप शॉर्ट में कि एक ही प्लांट पे मेल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो हो जाएंगे ऐसे प्लांट्स एंड द छठवा एंड द लास्ट सेक्स फॉर्मिंग क्यूकम डायोएशियस का मतलब तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड्रोमोनो में हो सकता है कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे मैसेज करके बताइएगा क्लियर इट आउट

तो अगर आप आरक्ष्य का प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला ये नहीं पूछेगा दिस वेरी डिटेल्ड वर्जन क्या है टॉपिक अलग अलग जीन्स जो हमारे खीरे में पाए जाते हैं और वो कौन कौन से फर्स्ट जीन इज ए आर जो कि कुकुम्बर में फीमेल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है नेक्स्ट जीन इज बी जो कि बिटर फ्री फ्रूट्स को कंट्रोल करता है क्योंकि आपको पता है खीरा कड़वा हो जाए तो मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है गर्मियों में तो बिटर फ्री फ्रूट्स भी होते हैं खीरे में ऐसे भी तो खीरे होते हैं जिनमें कोई कड़वापन नहीं होता एंड दैट इज कंट्रोल बाई बी आई नेक्स्ट वी हैव जी आई जी वाई और जी तो भई ऐसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है इट विल कंट्रोल गाइनो ए सी नेक्स्ट वी हैव कैपिटल पी स्मॉल सी पार्थिनोकार्पी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट्स फ्रूट्स बनेंगे बट सीड नहीं होंगे दिस कंडीशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी कैपिटल बी स्मॉल वाई ये कंट्रोल करता है स्पाइन कलर एक्चुअली में दो वेरिएशन आपको दिखेंगे एक वाइट कलर का स्पाइन होता है और एक ब्लैक स्पाइन भी होता है ठीक है तो स्पाइन कलर को कौन कंट्रोल कर रहा है कैपिटल स्मॉल करो नेक्स्ट वी हैव ए सी इज कंट्रोल बाय अ जीन कैपिटल ए सो मैंने फिर से रिपीट कर दिया देखो मैं ये भी स्पेसिफाई करते जा रही हूं कि कौन सा टॉपिक किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बट दिस इज स्पेसिफिकली अ क्लास फॉर ल्चर लेकिन ऐसा वही तो आपकी गलत फहमी होती है ना आपको लगता है कि अरे भाई किसी ने अगर जे आर एफ हॉर्टिकल दिया मतलब वो में ही काम आएगा जबकि तो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऐसा कोई एग्जामिनेशन बता दो जहाँ पे कुकुरबिट फैमिली से सवाल नहीं आता है यही चीज समझने की दे रही है जिस दिन समझ में आ जाएगा आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी कमिंग टू द पार्ट जे एल जी जे एल जी स्टैंड फॉर जैपनीज लॉन्ग्रीन ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है

क्स्ट कमिंग टू हिमांगी हिमांगी इज इक्वल टू पी के पी स्टैंड अ वाइटी जिसका नाम है कल्याणपुर अगेती so, क्रॉस याद होना चाहिए फूले शुभांगी सेम क्रॉस पॉइंट सेट इन टू कल्याणपुर अगेती फूले प्रियंका डाउन मिल्ड यू से टॉलरेंट वराइटी है ये

फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ानी इथरल यूज करो कंसनट्रेशन आपके सामने है जी ये आप कहते हो ना ये आर एच यू में हेल्प नहीं करेगा अरे मैम तो जे आर की क्लास ले रही है तुम लोगों को दिमाग के सेटअप को चेंज करना बहुत जरूरी है आप चेक करो दिस वॉज अ क्वेश्चन इन आर एच यू टू थाउजेंड से सत्रह का ये सवाल था तो ऐसा नहीं है हाँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बिल्कुल आपको जे आर एफ में पढ़ने पड़ते जैसा कि मैंने दिखाया अब ये जीन वाला पार्ट आपको आर एच यू में हेल्प नहीं करने वाला है बट बाकी सारी चीजें तो बेसिक हैं भाई तो पहला है हार्मोन जुबेरिक एसिड जी एस स्टैंड फॉर जुबेरिक एसिड दूसरा केमिकल है सिल्वर नाइट्रेट नेक्स्ट इज इस, इसको शॉर्ट में एवीजी कहते हैं एमिनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन ये तीन ऐसे केमिकल्स हैं जो मेल फ्लावर का फॉर्मेशन बढ़ाएंगे ऑन गाइनोएशियस प्लांट्स मैंने आपको गाइनोएसी का मतलब समझा दिया है केवल और केवल फीमेल फ्लावर्स अगर बन रहे हैं सच काइंड ऑफ प्लांट्स प्लांट्स। अब ऐसे का नाम है. मैंने हमेशा एजेंट की वजह से नहीं होगा किसी एबायोटिक फैक्टर की वजह से होगा टेम्परेचर बढ़ गया घट गया ठीक है न्यूट्रिएंट कम हो गया ज्यादा हो गया डिसऑर्डर का नाम है पिलो एंड पिलो क्यों होता है कैल्शियम की कमी से इट इज कॉज टू कैल्शियम सो ये मैं मैं यही कहूंगी कि 70 से 90 परसेंट तक सवाल बिल्कुल आज के इस क्लासिक पर बेस्ड किसी भी एग्जामिनेशन के कवर हो जाते हैं यस रेस्ट 10 आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको सवाल बनाने पड़ेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे और उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो जाता है कुछ और चीजें हैं ध्यान से समझ लीजिएगा आप जानते हैं कि खीरे में कड़वापन होता है आई एम नॉट टॉकिंग हर खीरे में होगा बट होगा और ये कड़वापन आता है कुकुरबिटेसिन नाम के केमिकल की वजह से कुकुर पेपर का क्या है पेपर आपको बनाया जाता है छाटने के लिए और छाटने के लिए ऐसे सवाल डाले ही जाते हैं जो सबसे नहीं बन सके तो एक बहुत बढ़िया सवाल आता है कि भैया बताइए कि ये जो कुकुरबिटेसिन है ये कौन से ग्रुप ऑफ केमिकल में आता है जैसे आपसे कोई पूछ दे कि आपके बाल में किराटिन है हाँ है किराटिन क्या है केमिकल है कौन से ग्रुप ऑफ केमिकल में आता तो आप कहोगे प्रोटीन है इसी तरह से कुकुरबिटेसिन जो है इट इज अ टाइप ऑफ टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन टेट्रासाइक्लिक टाइप ट्राइटरपिन अब देखो बच्चा ये तो पहचान लेता है लेकिन कुकुर इस ग्रुप में आता है ये हर को पता नहीं होता और यही ऑप्शन में दे देता है तो फिर बच्चों की हालत खराब हो जाती है पेपर में कि ये क्या नया सवाल आ गया भैया एक और चीज ये आपको मैं असाइनमेंट के रूप में दे रही हूँ आप लोग मुझे जरूर आंसर करेंगे खीरे की एक बड़ी फेमस वैरायटी है पूसा संयोग आप बस मुझे इतना बताने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ पूसा संयोग बस दैट वाज ऑल फॉर टुडेस क्लास मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच